स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th के कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क को कंटिन्यू करेंगे। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड और स्केल ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ आपको कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी प्रकार दिए गए हैं वो सभी प्रकार भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के आधार पर दिए गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में पेन भी बोलते हैं। अ पेन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज अराउंड अ पर्सन। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस सच एज फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, प्रिंटर्स एंड लैपटॉप। वी कैन यूज दिस नेटवर्क्स टू ट्रांसफर फाइल्स एंड फोटोज बिटवीन द वेरियस डिवाइसेस। पेन कंप्यूटर नेटवर्क लोगों के चारों ओर संगठित किया जाता है। इसका प्रयोग डिवाइसों के बीच में संपर्क करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फ़ोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, प्रिंटर और लैपटॉप। हम इस नेटवर्क का प्रयोग विभिन्न डिवाइसों के मध्य फाइल्स और फोटोज़ का ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। सेकंड है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में लैन भी बोलते हैं। अ लैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज़ लिमिटेड टू अ लोकल एरिया सच एज लेबॉरेटरी, स्कूल और एन ऑफिस बिल्डिंग। केबल्स, वायर्स और लो पावर रेडियो वेव्स वायरलेस आर यूज्ड फॉर द कनेक्शंस इन अ लैन। अ वायरलेस लैन इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड लॉन लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क। लैन वह कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित स्थानीय क्षेत्र जैसे कि लेबॉरेटरी, स्कूल, ऑफिस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। लेन में कनेक्शन के लिए केबल्स और लो पावर रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। लो पावर रेडियो वेव्स से मतलब यहाँ वायरलेस कनेक्शन से होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के तार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वायरलेस लेन को कभी कभी लोन जैसे कि लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका टॉपिक कैंपस एरिया नेटवर्क कैन। अ कैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क लैन इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। अ कैन इज़ अ स्मॉलर देन अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। इट कैन बी सेटअप बाय अ कॉलेज कंपनी एंड सो ऑन। कैन वह कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क जुड़े रहते हैं। कैन वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। यह कॉलेज, कंपनी और भी कई जगह पर स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पूरा कैंपस है। यहाँ आपकी लाइब्रेरी है, यहाँ हॉस्टल है, यहाँ स्कूल है। तो ये वाला जो नेटवर्क है ये इसी कैंपस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर की जो नेटवर्क पावर होती है या कंप्यूटर की जो फैसिलिटी होती है उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। मैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजली कवर्स अ लार्जर एरिया देन अ लैन। फॉर एग्जांपल अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स टू ऑफिस इन अ सिटी, अ नेबरहुड एरिया एंड सो ऑन। मेट्रोपॉलिटन वह नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर लैन से ज़्यादा बड़े क्षेत्र को कवर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यह नेटवर्क एक ही शहर में दो ऑफिस अड़ोस पड़ोस को जोड़ कर रखता है। नेक्स्ट है आपका इसमें वाइड एरिया नेटवर्क वैन। अ वैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। अ वैन मे बी स्प्रेड अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। अ वैन इज़ अ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग लैंस एंड मैंस। कंप्यूटर और नेटवर्क अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस आर यूजली कनेक्टेड विथ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, सैटेलाइट रेडियो लिंक्स और माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स। वैन वह कंप्यूटर नेटवर्क है जो बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला रहता है। यह शहरों, देशों और महाद्वीपों में भी फैल सकता है। वैन लैन और मैन से जुड़कर निर्मित होता है। जैसे कि अगर लैन और मैन को जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। कंप्यूटर और नेटवर्क जो ज़्यादा लंबी दूरी पर होते हैं वह आमतौर पर प्रकाशीय तारों और सैटेलाइट्स और माइक्रोवेव रेडियो द्वारा एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क हम देखते हैं, जैसे कि ये आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारी पृथ्वी है और इसी पृथ्वी पर जैसे कि ये सारे देश हैं, लंदन, अमेरिका, इंडिया।
तो ये हमको एक दूसरे देश की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? मतलब हम तो रोज़ जा नहीं सकते हैं, ना तो हम अमेरिका जा सकते हैं, ना लंदन जा सकते हैं, ना वो वाले लोग यहाँ इंडिया आ सकते हैं रोज़। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं दूसरे देशों की कहाँ से मिलती हैं, ये सारी इसी नेटवर्क के थ्रू हमें मिलती हैं, जो कि ये पूरी पृथ्वी पर या यूँ समझिए कि बहुत सारे महाद्वीपों में ये नेटवर्क फैला हुआ है, जिसके कारण हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। आज के लिए बस इतना ही। सो होमवर्क में आपको इसमें ये सेकंड क्वेश्चन है आपका दे रखा है, इसमें स्टेट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय देम। मैंने आपको अभी यही पढ़ाया है और मैं इसीलिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, इसको आपको पूरा जैसे मैंने समझाया है, जैसे बुक में दिया है आपको, वैसे ही करना है और लॉन्ग फॉर्म में करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।